फॉर्मूला फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, ना हाउ डू वी फॉर्म दिस फॉर्मूला, थोड़ा सा हमने पहले भी बेसिक्स डिस्कस किया था, हाउ टू फॉर्म द फॉर्मूला फॉर आयोनिक कंपाउंड. अब जब एक मेटल और एक नॉन मेटल का बॉन्ड बन गया, व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपाउंड. नाउ द फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू नो द चार्ज ऑन द आयंस. बिलो आर सम कॉमन आयंस एंड देयर चार्जेस. जैसे कि अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, आयरन, कॉपर, क्रोमियम इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखा, एमोनियम, ठीक है, एमोनियम ये गलत लिखा हुआ है, NH4+1 है, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है, NO3-, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, ये एयर एंड वाटर वाले चैप्टर में क्या आता है. फॉर्मूला फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स यू हैव टू बैलेंस द चार्ज ऑफ ईच पार्ट बाय मल्टीप्लाइंग ईच आयन अंटिल द सम ऑफ चार्जेस इज जीरो. क्या मतलब है इसका, कि आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा. हर कंपाउंड का जो एक टोटल चार्ज होता है वो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, या जो उसका ओवरऑल चार्ज होगा उसके इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और सल्फेट, इनकी जब आपस में आयोनिक बॉन्डिंग होगी, ये मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है. एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 में है, +3, याद हो गया ना अभी तक. SO4 सल्फेट का भी हमने ऊपर पढ़ा है, कॉमन आयंस की लिस्ट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट क्या है, चार्ज -2, SO4 का क्या है, -2, ठीक हो गया. अब क्या करना है आपने, यू आर गोइंग टू स्वैप दीज चार्जेस. स्वैप दीज चार्जेस कैसे करेंगे, एल्यूमिनियम का जो +3 है इसको इधर ले आए, और इसका जो 2 है इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा, Al के साथ लग जाएगा अब 2. अब SO4 एक नहीं है, SO4 पूरा है, तो आपने इसको ब्रैकेट में लेना है. SO4 के अंदर जब भी आपके पास मोर देन वन एलिमेंट हो किसी भी एक एटम में, किसी भी अगर आप कंपाउंड है तो आपने ब्रैकेट जरूर लगाना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात करूँ, इधर ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि ये मेटल एक एटम है, क्लोरीन भी एक एटम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक एटम है, लेकिन इस कंपाउंड में 2 एटम्स हैं, तो यू हैव टू प्लेस अ ब्रैकेट, फिर इस एल्यूमिनियम का जो 3 है यू हैव टू एड इट ओवर हियर. तो क्या फॉर्मूला बना आपके पास, Al2SO4 3. अब कभी कोई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हमें ये चार्ज ना याद आए, एकदम ये वाला चार्ज ना याद है, तो क्या करें, उसका भी तरीका है. आप समझे भूल टेबल में SO4 का चार्ज, क्योंकि SO4 तो नहीं आता ना कि पीरियोडिक टेबल में, इट डजंट हैज अ +1 +2, कोई नहीं है, हमें कैसे पता है इसका -2 चार्ज. आपने क्या करना है, सल्फर का तो पता है ना पीरियोडिक टेबल से, क्या होगा सल्फर का आपके पास -2, ठीक है, नहीं ये तो आपके पास उधर आता है, सॉरी, सल्फर आपके पास होता है, सल्फर ये हो गया, ऑक्सीजन आपके पास 4 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, मैं एक सेकंड इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए. ये मैं एक सेकंड पीरियोडिक टेबल भी ओपन कर लेता हूँ. अच्छा जी, वेयर वाज आई, तो एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, विच इज एक्चुअली डन इन ए लेवल्स, लेकिन अगर आपसे ये भी नहीं याद हो रहा, वैसे तो आपसे टेबल याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप इसके बैठ के निकाल लें, या वो अननोन जो हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे उधर होता है. अगर सल्फर ग्रुप 6 में आपने इसको +6 का चार्ज देना, ठीक हो गया, अभी आपने इसको -2 को नहीं था. आई नो ग्रुप 6 वालों का मैंने आपको ऊपर बताया कि उनके कौन से चार्ज होते हैं, -2 होता है क्योंकि उनको 2 चाहिए, लेकिन अभी आपने सिर्फ ग्रुप 6 का इसके ऊपर +6 डालना, और O4 है ना साथ, एक ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसको ×4 करें, क्या हो जाएगा ये -8, तो +6 -8 इज इक्वल टू क्या बनाते हैं कैलकुलेटर, -2, तो SO4 का जो चार्ज है दैट इज -2. लेकिन बंदा इतना अपना सर खपाया है ये कैलकुलेशन करे, इतना नहीं कि आप ये थोड़ा सा छोटा सा टेबल ही याद करने, कितने याद करने वाले इसमें, ज्यादा तो नहीं थे, कुछ तो पीरियोडिक टेबल से देख के पता लग जाते हैं, कुछ आपको कर करके याद है, लेकिन अगर भूल गए तो ये आप लंबी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे भी आपके पास आ जाएगा. देयर इज नो, एंड दिस इज हाउ यू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला. एक और जैसे मैं कहता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम +2 होता है, ग्रुप 2 में है, क्लोरीन क्या है -1, ग्रुप नंबर 7 में है, इसका 2 इधर चला जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा. अब 1 को हम लिखते नहीं है, Mg रहने दें, Mg, और ब्रैकेट में नहीं डालेंगे क्योंकि एक एटम ही है, ये अकेला एक ही एटम है, क्लोरीन इज वन एलिमेंट, वहां पे तो सल्फर था और ऑक्सीजन था ना, उन दोनों का चार्ज था, तो आपने ब्रैकेट लगाया है, और यहाँ पे मैग्नीशियम का जो +2 था वो इधर आ गया है, कंपाउंड का नाम MgCl
This is how you form formula for ionic compounds.